एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जी हां, चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने अकाउंट्स लिए और हम अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन ही नहीं जानते हैं तो अकाउंट्स में आगे क्या करने वाले हैं। जी हां, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब बच्चों के मन में बड़े संशय होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो कॉमर्स लिया, आप हमें आर्ट्स पढ़ा रहे हो। अरे नहीं भाई, आर्ट्स का मीनिंग ये नहीं कि भैया फूल पत्ती बना दिया, चूहे बिल्ली बना दिया, यही आर्ट्स होती। नहीं भाई, आर्ट्स का मीनिंग होता है यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स। जी हाँ, अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड आर्ट। यानी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ चूहे बिल्ली बनाने की, नहीं भाई, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये भी एक कला है, लेकिन किस चीज की, रिकॉर्डिंग की। तो हमारी डेफिनेशन इतनी क्लियर हुई, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या सर डेफिनेशन खत्म? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि राम से हमने सामान खरीदा, कल फिर खरीदा, परसों बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। सेम हम मोहन से सामान खरीदते हैं, वो भी जो बेचेंगे खरीदेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड करते चले जाएंगे एक बुक के ऊपर। सोहन से सामान खरीदा, वो भी बेचेंगे, यानी कि राम का सामान भी मैंने एक पेपर पर लिख रखा है, मोहन का भी लिख रखा है, सोहन का भी लिख रखा है, ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग। अब उसके बाद टॉपिक आता है इसी के अंदर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अब बारे सर ये क्लासिफाइंग का मीनिंग क्या है? अरे भाई, मैंने राम से सामान खरीदा, मोहन से खरीदा, सोहन से खरीदा, सारा सामान जो मैंने खरीदा है, बेचा है, मैंने एक बुक पर लिखता चला गया। अब मैं क्या करूंगा, राम से जो सामान खरीदा है और बेचा है उसे अलग बुक पर रिकॉर्ड कर लूंगा, मोहन से जो सामान खरीदा है बेचा है उसे मैं अलग बुक पर रिकॉर्ड करूंगा, और सोहन का सामान मैं अलग बुक पर रिकॉर्ड करूंगा। यानी कि राम वाली जो एंट्री थी मैंने अलग कर ली, मोहन की एंट्री मैंने अलग कर ली, सोहन की एंट्री मैंने अलग कर ली, विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्ड करने के बाद एंट्री को अलग अलग क्लासिफाई कर लेता हूं, राम की अलग, मोहन की अलग और सोहन की अलग। अब डेफिनेशन कंप्लीट? अरे नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। उसके बाद क्या है भाई इसके अंदर, एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब बारी आई कि सर ये तीसरा टर्म समराइजिंग का मतलब यहां पर क्या है? देखो जी, मैंने राम, मोहन, सोहन से पहले सामान खरीदा, सब कुछ मैंने एक बुक पर लिख लिया, विच इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब मैंने क्या किया, उसे अलग अलग बुकों में लिख लिया, राम का अलग, सोहन का अलग, मोहन का अलग, ये मेरे पास क्या हुआ, क्लासिफाइंग करना। अब खुद सोचो, क्या मैं सारी बुकों को इकट्ठा उठाकर घूमता रहूंगा, राम श्याम मोहन के सारे बुक उठा रखा है मैंने? नहीं भाई, अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा ईयर का एंड होगा तो मैं एक समरी बनाऊंगा, समरी मतलब एक छोटा सा पेपर लूंगा और उस पर लिखूंगा राम से टोटल एंड में मुझे कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। मैंने कुछ सामान खरीदा भी होगा, कुछ सामान बेचा भी होगा, कुछ पैसे दे भी दिए होंगे, कुछ पैसे आ भी गए होंगे, उस सब के बाद राम को एंड में मुझे कितना पैसा देना है एक पेपर मैंने लिख लिया। उसी पेपर पर एंड में मुझे सोहन से कितना पैसा लेना है या मुझे कितना पैसा देना है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मोहन को पैसा क्या देना है या लेना है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि एक पेपर पर मैंने सबके लास्ट में जो फाइनल पैसा देना है और पैसा लेना है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, विच इज कॉल्ड समराइजिंग। यानी कि अब हमारे डेफिनेशन लगभग कंप्लीट है। इस हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी भाई, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, मेरे साथ साथ बोलोगे तभी याद होगा। आपको गारंटी देता हूं इस क्लास के बाद आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन कंठस्थ हो जाएगी बेटा, लर्न हो जाएगी, अगर आप मेरे साथ साथ इस डेफिनेशन को बोलोगे तब। यानी कि अकाउंटिंग क्या है भाई, मेरे साथ साथ बोलना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। डेफिनेशन कंप्लीट? नहीं भाई, समराइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे भाई,
बार ये समराइजिंग, यानी कि ये सब कुछ हम लिख क्या रहे हैं, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। लो भैया आपकी डेफिनेशन 90% क्या हो गई, कंप्लीट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। अब बारिया सर ये फाइनेंशियल डाटा क्या है भाई, फाइनेंशियल डाटा का मतलब है जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने मोहन से सामान बेचा, पैसे में बेचा ना, लिखूंगा मोहन से सामान खरीदा, लिखूंगा मैंने मोहन से कहा भाई हमारे यहाँ चाय पीने के लिए आना, तो क्या ये फाइनेंशियल डाटा है, इसे मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। यानी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, यानी कि जहां पर पैसे का लेन देन होता है उस डाटा की बात चल रही है यहां पर। डेफिनेशन कंप्लीट नहीं। अच्छा खुद सोचो, मैंने अपने यहाँ एक अकाउंटेंट रखा और उससे कहा भैया मेरी जितनी भी सामान है वो सबकी रिकॉर्डिंग कर लेना, क्लासिफाइंग कर लेना और समराइज कर लेना और अपने घर चले जाना, तो क्या आप इसलिए रखते हो अकाउंटेंट को? नहीं भाई, उसका मेन पर्पस क्या है अकाउंटेंट रखने का, हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, क्यों चीजों को लिख रहे हैं? भैया हमारा मेन पर्पस है रिजल्ट को निकालना। क्या निकालना भाई? रिजल्ट निकालना कि ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, which is called interpreting the result, which is called interpreting the result। यानी कि हमारी अकाउंटिंग की फुल डेफिनेशन बनती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना। अरे ये तो बताना पड़ेगा ना भाई, हमने अकाउंट करने के बाद हमारे ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है, विच इज कॉल्ड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। चार चीजों को आपको याद रखना है और आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। एंड आप चाहो तो मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो, अकाउंटिंग क्या है भाई, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। यानी कि समराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस के रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, विच इज सेकंड की ओर, जिसका नाम है बुक कीपिंग। अब बारी आती है बुक कीपिंग क्या है। हमने अभी अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग की एक आर्ट है और यही रिकॉर्डिंग कहलाती है बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं भाई, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। कहां पर लिखना है भाई, इन द बुक ऑफ अकाउंट। यानी कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बड़ा सिंपल सा भैया। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग है अकाउंटिंग का एक पार्ट और विच इज कंसर्न, जो कि रिलेटेड है किस चीज से, रिकॉर्डिंग से। अब रिकॉर्डिंग क्या करना है भाई, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमें पता है कि भैया सामान बेचा खरीदा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। अभी फाइनेंशियल इवेंट्स क्या होते हैं भाई, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब इवेंट क्या है, क्या आपको रेस करानी है उसे रिकॉर्ड करेंगे? अरे नहीं, यहां फाइनेंशियल इवेंट्स का मतलब है कि ऐसी कोई घटना जिसमें पैसे रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दुकान खरीदी और उसमें बहुत सारा सामान लाकर भरा, सोचा कल से इसकी ओपनिंग कराऊंगा, सामान बेचना स्टार्ट करूंगा। रात में क्या होता है, मेरी दुकान में चोरी हो जाती है। अब भैया सामान चोरी हो गया ना, पैसे तो गए ना इसके अंदर, मेरा सामान तो गया जो पैसे से रिलेटेड था, वो भी लिखा जाएगा। मेरी दुकान में आग लग जाती है, इसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इवेंट। मेरी दुकान में चोरी हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इवेंट। यानी कि ये क्या है, एक घटनाएं हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, उसे भी क्या करते हैं लोग, बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। तीसरा टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अब ये अकाउंटेंसी क्या है, अब बड़ी दिक्कत हुई भैया, ऐसा तो नहीं भूल जाएंगे? अरे कैसे भूल जाओगे भाई, अकाउंटिंग हमें क्लियर है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा एंड इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग तो हमें पता है, अब बारी है बुक कीपिंग, ये भी हमें पता है भाई। बुक कीपिंग क्या था, अकाउंटिंग का एक पार्ट था। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब तीसरी बात आती है,
अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग एक बड़ा सा टर्म्स था, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है भैया, जो मैं आपको करा रहा हूं ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो अकाउंटेंसी है, यानी कि अकाउंटेंसी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे करनी है उसकी सिस्टमैटिक नॉलेज को हम क्या बोलते हैं भाई, अकाउंटेंसी। आपकी जो बुक होगी उस पर ध्यान से पढ़ना, आगे पीछे कहीं लिखा होगा अकाउंटेंसी, यानी जो बुक है वो क्या है, अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी मीन्स नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की नॉलेज को, अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे उस डाटा को इंटरप्रिटेट करना है, उसकी सिस्टमैटिक नॉलेज को हम क्या बोलते हैं भाई, अकाउंटेंसी। तो आज की क्लास हम यही तीन टॉपिक के साथ क्लोज करते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में, ताकि क्लास लंबी ना हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ और टॉपिक्स, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग, उसकी लिमिटेशन और उसकी एडवांटेजेस। तो अगली क्लास बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। और उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इस क्लास से रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, उसके लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पर, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप छोटा सा आपको एक मैसेज करना है, सर प्लीज प्रोवाइड मी पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के में पीडीएफ दे दीजिएगा, और इस क्लास नंबर वन लिखना ना भूले कि किस क्लास के आपको नोट चाहिए, चाहे वो बच्चा मेरे ट्यूशन का हो या फिर ट्यूशन का ना हो, हम लोग यहां पर सबके लिए, ये क्लास सबके लिए है और पीडीएफ नोट्स भी सबके लिए यहां पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, इस क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।